जो प्राइड में हमेशा अपनी मॉम की आंखों में देखना चाहती थी कल देखा मुझे और अब बुरा लग रहा है क्योंकि काफी फिल्में हो गई हैं तो लाइक <laughs> like अभी देखा बट वो वाला प्राइड अभी देखा दैट इज डिफरेंट जो कल जो आँखों में देखा नहीं देखा है पहले मैंने नहीं देखा नहीं। वो एक बहुत जरूरी चीज होती है पता है जब लाइफ में जो इंसान आपको आईना दिखाता है वही <laughs> इंसान आपको रियल भी रखता है वो ही होती है लाइफ आई फील सो तो जब मॉम बोलती है दैट आई फील प्राउड इट मीन्स समथिंग बिकॉज दे हैव बिन मोमेंट्स इन लाइफ और परफॉर्मेंसेज बिफोर शी इन सेट दैट टू मी तो अब उस उन शब्दों का वजन ज़्यादा है क्योंकि हमेशा ये नहीं बोलती है. मुझे ऑनेस्टली लगता है कि सारा हर रोज़ बदलती है <laughs> तो जो आज मैं हूँ वो शायद कल मैं नहीं होंगी क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी अनुभव आप जीते हैं उसका असर तो आपके जहन पर आपके शरीर पर आपके दिमाग पर आपके दिल पर होगा ही yeah. और मेरे लिए क्या है चाहे वो मुक्कू का, yeah. का किरदार हो चाहे वो रिंकू का किरदार हो चाहे वो उषा का किरदार हो इन सारे कैरेक्टर्स में से कोई कोई ऐसी चीजें हैं जो मेरी जिंदगी में दे जॉइन द आसनल ऑफ माई अनुभव सो दे शेप हु आई एम इट्स नॉट जस्ट दैट मै ऊषा बन गई हूँ hmm. लेकिन शायद ऊषा बनते बनते अपने अंदर एक ठहराव अपने अंदर एक जोश मैंने फिर से पाया है और कल सुबह मैं वो जोश लेकर उठूंगी फिर कल मेरी लाइफ में कुछ होगा जो मैं परसों लेकर उठूंगी yeah. तो आई थिंक फिल्म अनुभव की तरह ही होते हैं वो आपके साथ ही रहेंगे एंड डिफाइन हु यू विल बी द नेक्स्ट डे और आप पर है आप क्या रखना चाहते हैं आप क्या नहीं रखना चाहते हैं और ये बात समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया कि हाँ ओ या मे बी आई एम लाउड बट दैट्स अ चॉइस आई मेड एंड आई कैन चूज अदरवाइज एंड आई एम चूजिंग अदरवाइज हमेशा ऐसे नहीं होगा हमेशा आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी काश ऐसा होता यू नो अगर होता तो अच्छा होता है वेरीफाई कॉटन अपर्चुनिटी टू प्ले यू नो ऊषा मेहता है ना फिल्म लाइक दिस बी ग्रेट बट द ट्रूथ इज दैट यू शुड नो वाई यू डूइंगूंग एंड आई थिंक एज एन एक्टर वट एवर यू डू यू शुड जस्ट डू विथ कन्विक्शन एंड ऑनेस्टी बाकी अलग फिल्मों का अलग रीज़न होता है आप क्यों करते नो